मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। हम बात करेंगे सौंठ के बारे में। जी हाँ, सौंठ मजबूती बने रहने की उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल उत्पादक क्षेत्रों से आवक सुस्त बनी होने और सर्दियों का मौसम चालू होने की वजह से हाजिर में सौंठ मजबूती बनी हुई है। इसकी वजह से बाजार की धारणा प्रभावित हो रही है और आगामी दिनों में हाजिर में सौंठ मजबूती बनी रहने की संभावना है। समय समय पर सौंठ की तेजी मंदी के संबंध में नवीनतम जानकारियां मिलती रहती हैं और उन्हें इससे लाभ भी हो जाता है। केरल, कर्नाटका और असम आदि ऐसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में अब मौसम साफ बना हुआ है। इसके बाद भी अदरक और सौंठ की आवक तुलनात्मक रूप से कमजोर हो गई है, जबकि पूर्व में कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अनेक स्थानों पर भारी वर्षा होने और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की खबरें आई थी। पहले 1500 रुपये की मंदी के बाद स्टॉकिस्टों की सौंठ की बिक्री सुस्त पड़ गई थी। उधर केरल की कोची में नई सौंठ की आवक का श्री गणेश होने के बाद से लेकर अभी तक कभी भी पर्याप्त दबाव नहीं बना है। इधर आजादपुर स्थित स्थानीय लोक फल सब्जी मंडी में अदरक की कीमत में पिछले दिनों उल्लेखनीय तेजी पाई गई है। केवल बेंगलोर से ही अदरक की आवक हो रही है। बेंगलोर से अदरक की आवक में हाल ही में कमी पाई गई है। यहाँ बेंगलोर की अदरक हाल ही में 3 रुपये की मंदी के बाद फिलहाल 4550 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही है। स्टॉकिस्टों की लिवाली बढ़ने से यहाँ सौंठ सामान्य हाल में 2000 रुपये उछल कर फिलहाल 17000 से लेकर 17500 रुपये प्रति क्विंटल के अपरिवर्तित 17000 से लेकर 17500 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर अपरिवर्तित बनी हुई है। इससे पूर्व इसमें 500 रुपये की तेजी पाई गई थी। अगर सागर लाइन में सौंठ की कीमत 140 से लेकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बनी होने की जानकारी मिली है, वहीं पिसाई वालों की लिवाली का रुख औरंगाबाद की सौंठ की ओर ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं अन्य राज्यों की सौंठ में सुस्ती का वातावरण बना हुआ है और कोची में सौंठ की नगण्य आवक होने और इसकी कीमत पिछले कुछ दिनों में 200 से लेकर 210 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी होने की खबर मिली है।